कस्बा स्टाइल चिकन करी। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन करी, और उससे पहले उसका चिकन मसाला। सबसे पहले मैं डालूंगा इसके अंदर एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, एक मोटी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग, ये पत्थर के फूल हैं तो कुछ ये जाएंगे थोड़े से, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और ये 3-4 तेज पत्ता। और अब मैं इनको थोड़ा सा गर्म करूँगा, बस गर्म करके और इनको पीस लूँगा। ये मसाले मेरे गर्म हो गए हैं, बस इतना देख लीजिए कि आपके हाथ में जो है गर्म ना लगे और मसाला आप इजीली पकड़ सकें, बस हमें इतना ही गर्म करना है। और अब मैं इसको पीस लूँगा। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पंसारी का सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। वो जो पंसारी का सरसों का तेल आता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सरसों के तेल के अंदर क्या होता है कि करी का जो चिकन करी का जो फ्लेवर है बहुत निखर के आता है। अब हम सबसे पहले इसको जलाएंगे। जलाने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी इसकी धांस है वो उसको ख़त्म करेंगे, और फिर हम इसके अंदर इसको तड़का मारेंगे। ये देखिए अब हमारा जो तेल है वो जल चुका है, यहाँ तक मैंने डाला था और अब वो सूखे कहाँ तक नीचे तक हो चला गया है। इसका मतलब हमारा तेल जो है अब रेडी है। अब मैं इसको काटूंगा। काटने के लिए इसमें मैं ये पानी डाला है, और अब ये तेल बिल्कुल कट चुका है और इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा हींग, और इसमें डालूंगा मैं ये साबुत जीरा, इसके अंदर डालूंगा मैं ये चॉप प्याज, और अब मैं इन प्याज को थोड़ा भूनूंगा। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम। अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा पिसा हुआ प्याज भी डालूंगा, और अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगा प्याज को। इस स्टेज में जब प्याज हमारा इतना भून जाए, हम मैं इसमें डालूंगा मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री, और एक एक तेज पत्ता। ये देखिए अब हमारा मसाला तकरीबन 80% हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा कुछ मसाले, जिसमें है ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये जीरा पाउडर, और साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगा चिकन। मैंने एक चिकन लिया है 800 ग्राम का। और अब मैं इसको चिकन को अच्छी तरह भूनूंगा इसके साथ। ये हमारा चिकन और हमारा मसाला दोनों भून चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी है चिकन की, और अब मैं इसके अंदर डालूंगा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं मिराया का यूज़ करता हूँ पर्सनली, क्योंकि ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अंदर 50% जिंजर और 50% अदरक रहता है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज मिराया, MIRIYA, और ना ही इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही इसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ मिली हुई है जिससे कि आपको हार्मफुल हो। और ये पूरा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मैं इसमें डालूंगा टोमेटो प्यूरी, ये फ्रेश टोमेटो प्यूरी है, और अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें कर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जो है नॉर्मली चिकन करी के अंदर, नॉर्मल चिकन करी के अंदर कर्ड का यूज़ नहीं करता हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये लाल मिर्च, और एक कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च। जैसे मेरी आदत है आपको बताया हमेशा, ये भूनते टाइम ही मैं थोड़ा धनिया पाउडर डाल रहा हूँ, थोड़ा अदरक का लच्छा, और एक थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली। इससे क्या होता है कि इसकी फ्लेवरिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
अब आप देख सकते हैं कि क्या कलर कलर क्या हो गया करी का। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये अब हमारा चिकन भी भून चुका है और हमारा मसाला भी भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगा पानी एज रिक्वायर्ड। देखिए अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, इससे बॉयल आना चालू हो गया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा एक कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी का एक अपना ही यूनिक फ्लेवर होता है जो कि खाने के टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाती है। और अब ये जाएगा हमारा चिकन का जो मसाला मैंने बनाया था। ये देखिए हमारी जो चिकन करी है वो रेडी हो चुकी है। ना हमें इसे छानने की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है, खाली तंदूरी रोटी और एक चिकन करी। चलिए मैं इसको अब डिश आउट करता हूँ, साथ में गार्निश में ऊपर थोड़ा सा धनिया और अदरक का लच्छा, दैट मीन्स कोरिएंडर एंड जिंजर जूलियंस। नाउ यू कैन एंजॉय योर चिकन करी विद तंदूरी रोटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।